गाइस, अगर हिटलर नहीं होता तो आज शायद फेंटा कोल्ड ड्रिंक होती नहीं। हो गए ना हैरान, पर ये बात सच है। दरअसल हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूएसए पर अटैक किया था, जिसके बाद यूएसए ने जर्मनी के साथ सारी ट्रेडिंग बंद कर दी, और इस वजह से कोका कोला जर्मनी के अंदर अपना सिरप सप्लाई नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए उन्हें जर्मनी में अपनी सारी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी। लेकिन फिर भी कोका कोला के मालिक मैक्स केथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी इंडस्ट्रीज के इंग्रेडिएंट जैसे कि फ्रूट पल्प को ही एक ड्रिंक बना दिया। वही मैक्स ने अपनी सेल्स टीम को इस ड्रिंक का नाम रखने के लिए सजेशन देने को कहा, और वहां से फेंटा नाम निकल कर आया। उस समय जर्मनी में सॉफ्ट ड्रिंक के ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए देखते देखते जर्मनी में आज ये इम्पोर्टेंट ड्रिंक बन गया है, और आज फेंटा सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज में भी पॉपुलर हो गया है। गाइस, क्या आप इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरे यूरोपीय देश में तनाव है, और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि एक दो देशों को छोड़कर पूरा का पूरा यूरोप रूस के खिलाफ हो चुका है। और अब इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया। रशिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर नाटो में शामिल होने की जानकारी दी है। वहीं इससे पहले स्वीडन भी नाटो में शामिल होने का मन बना चुका है, और अगर ऐसा होता है तो रूस चारों तरफ से नाटो देशों की सेना से घिर जाएगा, क्योंकि फिनलैंड और रशिया के बीच करीब 1340 किलोमीटर की सीमा है, जो फिनलैंड के नाटो में शामिल होते ही नाटो सेना के कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा पोलैंड भी नाटो के शामिल में होते ही रशिया की नौसेना को समुद्री रास्ते से घेर लेगा। दोस्तों, मतलब तो साफ है, रशिया आने वाले वक्त में एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।